जौनपुर में नाटकीय उठापटक के बीच बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर जौनपुर से बसपा प्रत्याशी चयन किया है। आज हमारे साथ श्याम सिंह यादव हैं जो बसपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। आज सर आज अंतिम दिन है नामांकन का और आज को प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहेंगे? अच्छा है, कोई पहले दिन बनता है, कोई बीच में बनता है, कोई अंतिम दिन बनता है, जब ही बन जाए तभी अच्छा। लेकिन आपकी कोई राजनीतिक तैयारी नहीं थी चुनाव लड़ने की, आपने बहुत बताया है, वो अचानक आपका आज टिकट तो जितना, हाँ जितना भी समय मिला है तो क्या होता है कि एक मैं तो जब पढ़ाई करता था तो मैं तो एक ऐसा पेपर है जिसमें इतिहास में नाम मेरा दर्ज है 100 पूर्णांक 100 प्राप्तांक हायर प्योर मैथमेटिक्स का पर्चा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो कम से कम समय में अगर कोई अच्छा कर दे तो अच्छा है, कम समय मिला लेकिन ज्यादा मेहनत करेंगे। श्री कला जी ने भी पर्चा दाखिल कर दिया था बसपा से, अचानक उनका टिकट काट दिया गया और आपको दिया गया, क्या उस पे प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? तो कोई रीजन रहा होगा, कुछ कारण रहा होगा, कुछ कारण रहा होगा। अब उस पर मैं प्रकाश नहीं डाल सकता क्या कारण था, क्योंकि वो उसे मैं अनभिज्ञ हूँ, गैर जानकार हूँ किस कारण से उनका टिकट। फिलहाल आप जनता के लिए क्या कहेंगे, आपको टिकट मिला है? जनता को कहेंगे कि मेरी बात को सुनिए, मेरे पिछले कामों को देखिए, मैंने इतना काम किया है किसी एमपी ने नहीं किया है, वो भी 2 साल के पीएम लाइट फंड से किया है इतना काम, जिसको मैं छपवा के सब में बंटवा रहा हूं, और आगे अगर मुझे मौका मिलता है तो उससे भी 10 गुना करूंगा, यही जनता के नाम। चलिए धन्यवाद। ये थे बहुजन समाज पार्टी के बसपा प्रत्याशी श्याम सिंह यादव जी, जिन्होंने एन टाइम पे टिकट कटने को लेकर कहा कि ये तो राजनीतिक उठापटक है, इसमें अचानक मुझे टिकट दिया गया, बहन जी का आशीर्वाद मिला है और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। जौनपुर से ब्रजेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश टाइम्स।